हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ स्वाति और आप देख रहे हैं बैकयार्ड गार्डनिंग। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट की, जो आप मेरे दोनों तरफ देख सकते हैं, लेवेंडर कलर के फ्लावर्स की, जो है गार्लिक वाइन। और आप देख सकते हैं कितने बंच में इसके फ्लावर्स आते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे, इसको कैसे ग्रो करते हैं, इसका फ्लावरिंग सीजन क्या है और बाकी डिटेल्स भी। बेहद खूबसूरत बंच में खिलने वाले फ्लावर्स, जो कि एक फ्लावरिंग वाइन है, क्रीपर है, इसको बोलते हैं गार्लिक वाइन। जैसे कि मैंने पहले बोला, गार्लिक वाइन या लहसुन बेल नाम से इसको आप जानते होंगे, इसको फॉल्स गार्लिक प्लांट भी बोलते हैं। इसकी पत्तियां या इसके फ्लावर्स को क्रश करेंगे, इसकी पत्तियों को क्रश करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि इस स्मेल बिल्कुल लहसुन जैसी है। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि इसकी पत्तियों को आप लहसुन के सब्स्टिट्यूट की तरह यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास गार्लिक नहीं है और आपको यूज़ करना है तो आप इसकी पत्तियों को गार्लिक की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये पूरा प्लांट एडिबल है। अगर हम बात करें इसके फ्लावरिंग सीजन की, तो ये प्लांट फ्लावरिंग शुरू करता है अर्ली मॉनसून, या आपके हैं समर से लेकर के मॉनसून में इसमें हैवी फ्लावरिंग होती है। ऑन एंड ऑफ इसमें अक्टूबर तक फ्लावर्स खिलते रहते हैं, लेकिन इस तरीके से आप हैवी फ्लावरिंग इसमें मॉनसून सीजन में ही देखेंगे। ये प्लांट बिलोंग करता है साउथ अमेरिका को। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं लेवेंडर कलर के फ्लावर्स दिख रहे हैं, पर्पल कलर के फ्लावर्स दिख रहे हैं, तो इसके फ्लावर्स अपना कलर चेंज करते हैं एजिंग के अकॉर्डिंग। तो जब इसमें फ्लावर्स खिलते हैं तो वो डार्क पर्पल कलर के होते हैं, फिर धीरे धीरे वो लाइट पर्पल कलर के या लेवेंडर कलर के होते हैं, और जैसे जैसे वो एजिंग होती जाती है वो थोड़ा वाइट कलर के होते जाते हैं, और जब ये सूखने के स्टेज पे आते हैं, खिल के गिरने के स्टेज पे आते हैं, तब ये धीरे धीरे वाइट कलर के हो जाते हैं। तो बेसिकली जैसे आप बंच में देख सकते हैं, आपको 2 से 3 कलर के फ्लावर्स दिख रहे हैं एक टाइम पे, पर्पल, लाइट पर्पल और थोड़े से वाइट। बहुत ही आसानी से ट्रेल होकर के ऊपर तक आप इनको चढ़ा सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे अगर आप लगाते हैं, ज़मीन में लगाते हैं, 1 से 1.5 साल में ये 1-2 फ्लोर तक बहुत तेज़ी से फैल करके बढ़ जाते हैं। अगर हम बात करें इसकी सनलाइट रिक्वायरमेंट के बारे में, तो वैसे तो इसे अगर आप फुल सनलाइट में ग्रो करें तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा फ्लावरिंग देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप पार्शियल शेड वाली जगह पर भी ग्रो करते हैं तो भी इसमें फ्लावरिंग होती है। दूसरी इंटरेस्टिंग बात, इसमें जब फ्लावर्स खिलते हैं तो खिल के सफ़ेद कलर तक टर्न होकर के झड़ने तक में करीब 3 से 5 दिनों तक ये प्लांट पे बना रहता है ये फ्लावर। बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होने के अलावा ये एक बहुत अच्छा पेस्ट रेपेलेंट प्लांट भी है। पेस्ट रेपेलेंट है तो इसमें पेस्ट अटैक भी नहीं होंगे। आज तक मैंने इसमें कोई पेस्ट अटैक नहीं देखा है किसी भी तरीके का। गार्लिक वाइन के प्लांट की हर एक पार्ट में, चाहे वो स्टेम हो, लीफ हो, सारे पार्ट्स में बहुत सारे मेडिसिनल गुण होते हैं। मतलब ऐसे औषधीय गुण होते हैं कि इनकी पत्तियों से और स्टेम से काफ़ी सारी मेडिसिंस बनाई जाती हैं, जो कफ, कोल्ड, फ्लू और निमोनिया और बहुत सारी इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाली मेडिसिंस में यूज़ होती हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात बता दो इस प्लांट की, कि ये है बहुत लाइट फीडर। लाइट फीडर से मतलब है इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप इसको साल में एक बार भी फर्टिलाइज़ करेंगे तो भी ये इसी तरीके से सीज़न में भर भर के फ्लावर्स देगा। और अगर हम बात करें कि फर्टिलाइज़र्स कब यूज़ करने चाहिए प्लांट में, किस तरीके का यूज़ करना चाहिए, तो जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, फर्टिलाइज़ करने के लिए किसी भी तरीके के प्लांट को 2 सीज़न बेस्ट होता है। पहला होता है स्प्रिंग यानी फेब्री मार्च का टाइम, दूसरा होता है मॉनसून का सीज़न यानी बारिश के सीज़न में। अगर हम बात करें कि किस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें हम इसके लिए, तो काउडंग मेन्योर यानी गोबर से बनी हुई खाद से अच्छी खाद किसी भी तरह के प्लांट के लिए बेस्ट खाद होती है। इसके गार्लिक की स्मेल होने की वजह से रोडेंट्स, स्नेक्स, रेप्टाइल्स, ये सारे कुछ इससे दूर रहते हैं। मतलब ये बहुत अच्छा पेस्ट रेपेलेंट का भी काम करता है, रोडेंट्स को भी रेपेल करता है। अगर आपके गार्डन में चूहे, फ्रॉग्स ये सब नहीं आएंगे तो फिर सांप भी नहीं आएगा। अगर हम बात करें कि इसको ग्रो कैसे करना है, तो इसे ग्रो करना बहुत आसान है। इसे आप पॉट्स में भी ग्रो कर सकते हैं, कंटेनर्स में, और अगर ज़मीन हो तो बेस्ट है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैलता है। जैसे कि आपने देखा मेरे फ्रंट गार्डन में और बैकयार्ड दोनों में, इतनी 2 फ्लोर तक 3 फ्लोर तक ये फैल करके ऊपर तक आ चुका है, आधा टेरेस कवर कर चुका है। तो ये बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, इसको आप सपोर्ट दे दें अगर। तो कैसे ग्रो करना है, 2 तरीके होते हैं। इसको आप कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं, मॉनसून का सीज़न बेस्ट होता है इसे कटिंग से ग्रो करने के लिए। दूसरा, इसमें सीड्स फॉर्मेशन भी होती है, यूजली सितंबर अक्टूबर के टाइम पे जब इसमें फ्लावर्स आते हैं तो उस टाइम पे कुछ सीड पॉड्स इसमें क्रिएट होते हैं, जिसमें जब सीड्स ड्राई हो जाते हैं तो उसका सीड पॉड ओपन सा हो जाता है।
उसमें से आप सीड कलेक्ट कर सकते हैं, उससे ग्रो कर सकते हैं, लेकिन कटिंग से ग्रो करना इसको ज़्यादा आसान है। कैसे वो बताती हूँ मैं आपको। गार्लिक वाइन में स्टेम वुडी होती है, तो इस तरीके की सेमी वुड कटिंग लेनी है आपको, मतलब जो थोड़ी सी ब्राउन सी दिखती है, थोड़ी सी ग्रीन सी दिखती है, ऐसी कम से कम जिसमें 2 से 3 नोड्स हों। नोड्स जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये पॉइंट होता है, ये जॉइंट होता है नोड, जहाँ से ये नई स्टेम्स नई लीव्स निकलती हैं। तो इतनी बड़ी कटिंग लें आप जिसमें कम से कम 2 से 3 नोड हों। तो इस तरीके से आप इसकी सेमी वुड कटिंग लें, और उसको अगर आप पॉट में ग्रो कर रहे हैं तो उसमें कंपोस्ट और सैंड का मिक्सचर बनाएं और उसको थोड़ा सा मॉइस्ट रखें। कटिंग उसमें आराम से डाल दें, करीब 1 से 1.5 इंच गहराई तक। कटिंग को ऊपर से पॉलीथीन से कवर कर दें, एक ग्रीन हाउस वाला इफेक्ट देने के लिए। उससे सक्सेस रेट बढ़ जाता है किसी भी कटिंग को ग्रो करने के लिए। दूसरी बात जो मैंने नोटिस की है गार्डन में इन प्लांट्स पे, इन फ्लावर्स पे, कि ये प्लांट पॉलिनेटर्स को बहुत अट्रैक्ट करता है। पॉलिनेटर्स मतलब बर्ड्स या बीज। मैंने कई बार देखा है बहुत प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी बर्ड्स आती हैं इसमें से नेक्टर लेते हुए। तो ये प्लांट अगर आप अपने किचन गार्डन में लगाएंगे तो पहली बात तो ये पेस्ट अटैक को रोकेगा आपके प्लांट्स में, पेस्ट रेपेलेंट का काम करेगा। दूसरी बात, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करेगा। पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करेगा तो पॉलिनेशन आपके फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में ज़्यादा होगा। तो ओवरऑल देखने में खूबसूरत ये तो लगता ही है, आपका ये काम भी होगा इससे। तो देखा आपने, बिना ज़्यादा एफर्ट के, बिना ज़्यादा फर्टिलाइज़र के बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला ये खूबसूरत फ्लावरिंग क्रीपर ज़रूर लगाएं आप मॉनसूनस में हैवी ब्लूमिंग के लिए। ज़रूर ग्रो करें, आजकल सीज़न में है तो नर्सरीज में आपको आराम से मिल जाएगा, या फिर आपके आसपास नेबरहुड में किसी के पास ये प्लांट हो तो कटिंग से इस तरीके से इसे ज़रूर ग्रो करें। आसपास भी नहीं मिलता है, नर्सरीज पे भी नहीं मिलता है, तो मैं इसकी ऑनलाइन लिंक शेयर कर दूँगी, आप ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं। फिर मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जल्दी ही। बाय बाय।